नमस्कार, मैं हूं विकी कौशल और आपका जय जवान में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो 16,000 फीट की ऊंचाई है और टेम्परेचर लगभग 6 डिग्रीज है। धुंध है, हवा है, ठंड है और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ऑफ द इंडो चाइना बॉर्डर इन अरुणाचल प्रदेश। मैं यहाँ आया हूँ हमारे देश के वीर जवानों से मुलाकात करने, पर्सनली अपने देश की ओर से उन्हें सल्यूट करने, उनके जज्बे को, उनके स्पिरिट को और उनकी बहादुरी को। विकी, हाय अंजलि, हाउ्स द जोश? हाय मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सारे डायलॉग मेरे आपने बोल दिए तो मैंने कहा मैं आपके डायलॉग को बोल देती हूँ। लेकिन जोश हाई होना जरूरी है क्योंकि आप एक लंबी जर्नी करके यहाँ पहुंचे। अगर 16,000 फुट की ऊंचाई पे हम पहुंचे तो यहाँ हम पहुंचे हैं 14 घंटे की जर्नी के बाद। Part of this event, I'll request you to accept this and wear this on behalf of you. Oh, it's amazing. This is... Aapne naam bhi likhwaya hua. Yeah. I wish you all the very best for this program. Thank you, sir. Ab hum aapko le jana chahenge jahan par main सोल्जर्स रहते हैं, द LAC सर। तो वहाँ पर जो लाइफ है एक सोल्जर की वो कितनी डिफिकल्ट होती है, वो थोड़ा विकी को एक बार समझा सकते हैं? मेरे ख्याल से अगले 2 दिन में आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि किस प्रकार की लाइफ हमारे जवान इन चैलेंजिंग माहौल में जीते हैं, बट दे ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस व्हेन दे डू इट। सर, वी विल मेक आवर मूव टू दैट प्लेस। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। Especially for you. क्या बात है? Open gypsy. Best ride on this planet. तो विकी, हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि आप ये वेदर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इट्स नॉट अ वेरी इजी टेरेन टू बी इन, लेकिन आप पहले कभी आए हैं नॉर्थ ईस्ट में या अरुणाचल प्रदेश आए हैं कभी? नहीं, ये मैं पहली दफा आ रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में। एज अ विजिटर तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि अरे कितना खूबसूरत है, सड़कें ख़राब भी हैं तो ठीक है, बट टू इमेजिन दैट द आर्मी इज़ पोस्टेड वेयर यू वोंट इवन इमेजिन कि यहाँ कुछ यू नो सिविलाइजेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, एंड वहाँ रह के वो हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो नॉट जस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, दे आर ऑल्सो मैनेजिंग द वेलबींग ऑफ द विलेजेस अराउंड। और हम आपको यही दिखाना चाहते हैं, हम आपको यहाँ लाए हैं और आपको लेकर जाएंगे LAC तक और वहाँ ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की वेदर कंडीशंस, किस तरह की परिस्थितियों में हमारे जवान रहते हैं और फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। आर्मी या आर्मी से रिलेटेड कुछ करने का मौका मिले, बिकॉज आई जस्ट लव स्पेंडिंग टाइम विद द आर्मी। वॉर मेमोरियल है, हाँ जी, और वॉर मेमोरियल ऑफ कोर्स 1962 में जो मार्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं जी। Go!
अंदर। तो आपका एक वेलकम तो हो गया था जी, मेरे ख्याल से वो 9000 फुट था, ठीक है, लेकिन आप 16000 फुट पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे वेलकम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा एज यू कैन फील इट, हमें कपड़े भी थोड़ा उसी के हिसाब से मुताबिक पहनने पड़ेंगे। बिल्कुल हवा ही बदल गई है, बिल्कुल हवा ही बदल गई है, एंड द टेंपरेचर आई थिंक इज ड्रॉप्ड इमेंसली। और यही देखना होगा कि ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं और कैसे काम करते हैं। हाय विकी। हेलो सर। ये तकरीबन 16000 फीट पर है जी, और यहाँ पे टेम्परेचर आउटसाइड अभी 6 डिग्री है, पर विंड चिल कारण आपको और भी ठंड लग रही होगी, इसलिए हमने पता चला, इसलिए हमने आपके लिए जैकेट अरेंज किया है। थैंक यू, इसकी बहुत जरूरत थी सर। और ये आप लोगों को यहाँ इशू किया जाता है? इशू किया जाता है, ऑर्डिनेंस की तरफ से हमें इशू होता है यहाँ पर। और कितना टेम्परेचर तक ये आपको? ये -20 डिग्री तक ये हमें बजा सकते हैं, इसके 3 लेयर्स होते हैं, -20 तक, -20 तक। बट सर हैट्स ऑफ टू यू, आप यहाँ इतनी हाइट पे 16000 फीट की हाइट पे आप है, एंड ठंड है, धुंध है, अब बारिश भी है, और उसके बावजूद आपके चेहरे पे एक स्माइल है और इतनी खूबसूरती से आप हमें बिकॉज़ ऑफ यू आपने यहाँ पे आया तो हमारा भी मोरल बूस्ट हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ओके थैंक्स। एंड अब जब यहाँ हम हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 19000 फीट पर भी पोस्ट है सर, सर तो वहाँ पे भी हमारी फौजी तैनात है? हमारी फौजी तैनात है सर। और वो कितने दिनों तक वहाँ बैठे रहते हैं, वहाँ पे वो तैनात रहते हैं? सर मिनिमम उन्हें 3 महीने तक रहना होता है, उसके बाद फिर उनके बॉडी में हेमोग्लोबिन बढ़ने लगता है और ब्लड्स जो डाइल्यूट होने लगता है, तो फिर 3 महीने में हम रिप्लेस करते रहते हैं। 3 महीने एट अ स्ट्रेच, देयर एट अ हाइट ऑफ 19000 फीट, लगातार आपको 3 महीने तक वहाँ रहना होगा। माय गॉड, ये फायरिंग कहाँ से हो रही है? ये फायर हमारे बंदे कर रहे हैं, ताकि हमारी असॉल्ट टीम, हमारी असॉल्ट टीम कर रही है, ताकि सपोर्ट ग्रुप अच्छे से अपना मूवमेंट कर सके। वो पहले जो हुआ वो बैक ब्लास्ट था रॉकेट लॉन्चर का, वो 15 मीटर तक जाती है, अगर 15 मीटर तक कोई भी इंसान आया तो कैजुअल्टी हो सकता है। कुछ सर ये जो चिल्ला रहे हैं, धावा कर रहे हैं, धावा कर रहे हैं, धावा कर रहे हैं। तो ये सर जो धावा का चिल्लाना होता है ये किसके लिए होता है? सामने वाले को डराने के लिए, खुद चार्ज होने के लिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए। आपको एनर्जी भी देती है, खुद से बूस्ट अप करता है, और दुश्मन भी डर जाता है कि अब तो मैं जाने वाला हूँ। नाउ दे आर होस्टिंग आवर फ्लैग, नेशनल फ्लैग। अच्छा, क्या बात है, इसका मतलब हमने बंकर को कैप्चर कर लिया। नाउ इट्स आवर टेरिटरी। कभी कभी दुश्मन हमारे हिम्मत को तोड़ने के लिए ऑब्स्टेंस लगाते हैं, बट देर इज नो ऑब्स्टेकल फॉर इन्फेंट्री। एक इन्फेंट्री जवान के लिए कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होती, वो हर अवरोध, हर बाधाओं को चीरता अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, और हमारी टीम आपका इसका डेमोंस्ट्रेशन देगी। अच्छा सर, ये 4 लोग हैं, पहले 2 जाके ऑब्स्टेकल को सिक्योर करते हैं, उसके बाद 2 जाके फिर मूवमेंट करेंगे। सर ये मेरे लिए और हमारी फिल्म से जुड़े सभी लोगों के लिए आपने बहुत बड़ा ऑनर दिया है कि एक 14,000-16,000 एंड जहाँ इतनी टफ लोकेशन पे हमारी एक इंडियन आर्मी का पोस्ट है और वहाँ हमारी फिल्म का एक डायलॉग को जगह मिली है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच।
साहब बहुत बढ़िया, आप पता लगा, आप पता लगा असली जोश किसको कहते हैं? असली जोश। हाय सर, हाय सर, हाय सर, जय हिंद। अंदर का टेम्परेचर अभी 12 से 13 डिग्री सेल्सियस का है, चाहे बाहर बाहर माइनस में चले जाए, अगर -10-20 भी है तो -10-12 यहाँ पे। सर बताइए, ये बंक पेट्स तो आपके ट्रेनिंग एकेडमी से ये कल्चर शुरू हो चुका होता है? बिल्कुल। तो मुझे बताइए, जब आप ट्रेनिंग करते थे या जब भी आप एक मिशन से आते हैं फॉर इंस्टेंस, या ट्रेनिंग करके आते हैं और हाथ पैर टूट चुके हैं, बिल्कुल आपको आराम की जरूरत है, फिर जब आप पूरी टीम साथ में ऐसे लेटती है, आराम करती है, फिर वो जो कुछ गप्पे शप्पे होती है जहाँ मूड थोड़ा हल्का होता है, कुछ जोक्स क्रैक होते हैं, एक दूसरे की खिंचाई होती है, ये सीधा सो जाते हैं? नहीं नहीं, 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 बिल्कुल होते हैं। आप लोगों के बेड से? हाँ, है। अच्छा, आप लोगों के हैं। हाँ। तो आप लोग जब आते हैं सीधा सो जाते हैं? ठीक है, तो ये बढ़िया है। हम आप लोगों का लिविंग क्वार्टर्स देखे, हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि आप लोग इतने कम स्पेस में इतने सारे लोग रह रहे हैं और पूरे इन परिस्थितियों के बावजूद आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, काली पांचवी चौक, काली पांचवी चौक, काली पांचवी चौक। और ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इसके पीछे एक बॉलीवुड स्टोरी भी है। क्या आपको पता है, यहाँ एक फिल्म की शूटिंग हुई थी कोयला, और माधुरी दीक्षित यहाँ पर आई थी। अच्छा, इसलिए मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना कि इसे माधुरी फॉल्स भी कहते हैं। जी बिल्कुल, और माधुरी दीक्षित के नाम से ये बिल्कुल फेमस भी है। लेकिन हम यहाँ पे एक एक्टिविटी भी करने वाले हैं, हमें बताएंगे सर। सर, वी वेलकम यू विकी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिस इज बेसिकली व्हाट जो आप अपने पीछे देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नूरा नांग फॉल। हाँ जी। सो दिस इज बिकॉज इट गेट्स ऑल इट्स वाटर फ्रॉम द नूरा नांग नाला व्हिच इज देयर अप देयर। द एक्टिविटी व्हिच वी आर हियर फॉर इज हाउ वी क्रॉस अ वाटर ऑब्स्टिकल। ओके। सो We'll be showing you various techniques. Okay. कि कैसे कैसे उसे क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए, इंस्ट्रक्शन मिल गई है। Let's hike. Let's hike. ठीक है, चलिए अब हम आपको यहाँ का खाना कैसे होता है
हाउ डू द ट्रूप्स ईट, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं. लंगर है जहाँ पर सबका खाना एक साथ बनता है और सब एक साथ मिल बैठ के खाते हैं. क्या बात है, आप खाना चाहेंगे इनके साथ? बिल्कुल, मैं भूख लगी हुई है, हम LSC से वापस लौटे हैं, बहुत भूख लगी है एंड इट्स एन ऑनर टू बी हैविंग दिस लंच विद द आर्मी गाइस. चलिए उनसे मिलाते हैं. चलिए विक्की कौशल जी. हाँ जी सर. मैं सुधार चंद्रपाल. हाँ, मैं आपका जवानों के लंगर में हार्दिक स्वागत करता हूँ. थैंक यू सो मच. और आपसे अनुरोध करता हूँ कि जवानों के साथ खाना खा के उनका मनोबल बढ़ाएं. थैंक यू सर, आइए. जय हिंद सर. हेलो, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. थैंक यू सर. आइए हेड ऑफ द टेबल. आपको आज यहाँ हेड ऑफ द टेबल तो आर्मी बैठेगी. आज आज आई थिंक यू आर गेस्ट ऑफ ऑनर. तो थैंक यू. या आप बताइए आप लोग कहाँ चाहते हैं, विक्की कहाँ बैठे हैं आप लोग? सेंटर में. चलिए चलिए, दे वांट टू गिव यू ऑल दैट ऑनर टुडे. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, प्लीज बैठिए सर. आप सब बैठिए. खाना खाने बैठे हैं तो थोड़ा लोगों के लिए मैं भी जानकारी ले ही लेती हूँ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे. हाँ जी. कि आर यू अ फूडी? खाना मतलब मैं फूडी हूँ. हाँ जी. पसंद है? क्या क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है? मुझे एक्चुअली ना डाइट पसंद नहीं है कई बार हमारे काम. थैंक यू सर. लेकिन आप लोग हमें बहुत डाइट, हाँ बहुत डाइट करना पड़ता है कि कभी दुबले होना पड़ता है, कभी मोटे होना पड़ता है, तो बहुत डाइट. थैंक यू सर. बहुत डाइट करना पड़ता है पर मुझे डाइट पसंद नहीं है ज्यादा. तो मैं तो जो मर्जी माँ के हाथ का खाना होता मैं चट कर जाता हूँ. कुछ भी. मेरा तो फेवरेट है नाश्ते में जो माँ आलू के पराठे बनाती है, सफेद मक्खन नाम का अचार. अच्छा सर, एक साइन की है मैंने. सैम मानेकशॉ जी जो है उन पे आधारित फिल्म बन रही है, मेघना गुलजार जी डायरेक्ट कर रही है, तो मुझे सैम मानेकशॉ जी प्ले करने का मौका मिल रहा है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, साथ में बहुत बड़ा ऑनर भी है. तो आशा करता हूँ अपनी तरफ से पूरी मेहनत दूंगा, पर वो भी उतनी पसंद आएगी आपको जितनी उरी पसंद आई. अपनी तरफ से मेहनत करेंगे. थैंक यू सर. आप सब लोगों ने देख रखी उरी? चलिए, यहाँ तो सब आपको मतलब की फैंस हैं. मेरे लिए अंजलि, हमारे लिए ना उरी जब हमने बनाई थी तो हमें नहीं पता था हिट होगी फ्लॉप होगी, चलेगी नहीं चलेगी, लोग आएंगे देखने नहीं आएंगे, पता नहीं था हमें. हम तो सच्चाई से फिल्म बना रहे थे. हमें सिर्फ ये था कि कल को ना पिक्चर जब आर्मी वाले देखें ना तो वो खुश हों, उन्हें लगे कि यार आर्मी को डिपिक्ट सही तरीके से किया. तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई आर्मी से कहता है ना कि उन्होंने उरी देखी और पसंद आई, तो मुझे बड़ी बहुत खुशी होती है. तो बहुत बहुत शुक्रिया, वो आप ही के लिए थी. पिक्चर जो आपकी है कब तक? हाँ जी, कब तक कम्प्लीट होने की जरूरत? कई बार फिल्म की तैयारी में ज़्यादा समय लगता है शूटिंग से. कई बार हम 4-5 महीने तैयारी में लगा देते हैं और फिर 2 महीने में शूटिंग खत्म हो जाती है. तो वो हर फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है कि फिल्म किस पे है. जैसे उरी में हमने कुछ 8 महीने की ट्रेनिंग की थी और फिर 2 महीने में शूटिंग कर ली थी. तो कई बार उसकी जो प्रिपरेशन होती है, कई बार जैसे आपके भी ऑपरेशन चाहे आधे घंटे का हो पर आप प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा. हाँ जी, आप उसका प्रेप 10 दिनों से कर रहे होते हो, 15 दिनों से उसकी तैयारी प्लानिंग कर रहे होते हो, तो वैसी फिल्म का हाल होता है. हालांकि उतनी मुश्किल नहीं होती फिल्म बनानी जितना आपका काम है. सर बॉर्डर पे ही है. अच्छा, जैसे मैं अपने मामे के जाता हूँ वो तो मेरे को पंजाबी बोलते हैं. हाँ. और बुआ के जाता हूँ कहते हैं बांगरू आ गए, हरियाणवी आ गए. आप बोलते हैं पंजाबी? हाँ जी, घर पे पंजाबी बोलते हैं. मुझे अब पंजाबी तो आती है पर मुझे नई भाषा सीखनी है. आप हरियाणवी सिखाओ मुझे. आप हरियाणवी बोल लेते हैं? हाँ मैं बोल लेता हूँ. सिखा लो कुछ. अभी अगर मुझे ये कहना हो हरियाणवी में कि ये खाना बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ बैठकर बहुत खुशी महसूस हो रही है, मैं कैसे बोलूंगा? खाना बहुत बढ़िया है. खाना बहुत बढ़िया है. खाना बहुत ही बढ़िया है. मन्ने आड़े आप लोगों के बीच में बैठ के बड़ी खुशी महसूस हो रही है. मन्ने आड़े आप लोगों के बीच में बैठ के बड़ी खुशी महसूस हो रही है. ठीक था. कुकिंग स्टाफ से भी मिलना बनता है. बिल्कुल, इतना बिल्कुल, बढ़िया खाना उन्होंने आपको खिलाया है. क्या बात, ये कुकिंग स्टाफ है. लुक एट दिस. सिखाएंगे आप कैसे करना है? भगवान जाने ये रोटी कौन है. आज मेरी माँ इतनी खुश होगी ना, बस गोल तो लग रही है. इसको इसमें डलवा दीजिए, वो डाल देंगे. पर
और आप एक बार जब रोटियां बनाना शुरू करते हैं सबके लिए, कितनी रोटियां बन जाती हैं, कितनी रोटियां बनानी होती हैं आपको? 700 रोटियां, 700। चलिए, let's go and meet them also. Thank you so much. Thank you. अब आपको हम बहुत खास मेहमानों से मिलाने वाले हैं। चलिए विकी, खाना हमने खा लिया, लेकिन अब खाना खाया तो उसे पचाना भी चाहिए, तो इसलिए हमने आपके लिए गेम रखा है, कंपटीशन है वॉलीबॉल का, आपकी टीम और मेरी टीम के बीच। रियली? यस। अब कहाँ सर? आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। पाल साहब, यहाँ पे हम लोग वॉलीबॉल खेलेंगे? जी हाँ। अच्छा, थोड़ा खाना खा लिया है हम लोगों ने तो थोड़ा इजी हमारे साथ, बहुत ज्यादा जोर से नहीं, तो वहाँ दिखा दीजिए कहाँ पे जा रहे हैं। आइए, हम आपको फॉलो करते हैं सर। ये मेरी खुशकिस्मती है, मैं पहली बार आर्मी के साथ खेलने वाला हूँ, तो सर भूल चूक माफ करना। इस मैच को कौन कंडक्ट कर रहा है? अच्छा, वो विक्की की टीम है, ठीक है, ये मेरी टीम है, आप मेरी जगह पर खड़े हैं। सॉरी, मैं अपनी टीम के पास जाता हूँ। एंड बी वेयर, ओके? ओके जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, हेलो। लेट्स स्टार्ट। एक बार शुरू करने से पहले ना, हम अपने सिग्नेचर स्टाइल में थोड़ा गेम शुरू कर लेते हैं। अच्छा। मैंने पिक्चरों में बहुत सवाल पूछा, ये मैं पहली बार रियल आर्मी से पूछ रहा हूँ, तो टीम, How's the Josh? How's the Josh? How's the Josh? Hi sir. अब आ जाओ। आ जाओ जी। ओए। Congratulations on the win. Thank you so much. The next time I come here, I am promising that we'll win. Teamwork. It's all teamwork, and you will see the team win. Thank you. हम लोग थोड़ा सा, आप अभी थक गए होंगे, थोड़ा क्लीनिंग वगैरह भी आपको चाहिए होगी, लेकिन शाम को आपके लिए, क्योंकि ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये सिर्फ वॉलीबॉल में टैलेंटेड नहीं है, they have lots of talent and they want to show you their talent. Superb. And they also want to meet you. So in the evening we'll meet. Superb. And there is a full plan. Superb. ठीक है, तो शाम को मिलते हैं. Really sir. Yeah. Thank you. Thank you sir. Thank you. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यहाँ पर एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी।
पहली बात मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा एनडीटीवी का कि मुझे जय जवान का हिस्सा बनाया. मैं बचपन से ये शो देखता आ रहा हूँ और बचपन से ये मेरा सपना था कि कभी मुझे भी मौका मिले कि मैं आर्मी के साथ इतने पर्सनल लेवल पे समय बिता पाऊँ. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और अब रही बात आपके रिक्वेस्ट की, ये मैं सर एक फिल्म आई थी जनवरी में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और उसमें एक डायलॉग था और उसके बाद से लोगों ने आप सब ने वो डायलॉग इतना फेमस हो गया कि मैं कई बार ना अपने नींद में उठ के भी वो डायलॉग बोल देता हूँ. तो पहली बार मैं आर्मी के साथ ये डायलॉग बोलने जा रहा हूँ तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ. तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. थैंक यू सर. थैंक यू. अब हम आपको एक ट्रेडिशनल मराठा डांस दिखाना चाहते हैं, झांझ पथक. छूट गए आपके. इन्होंने भी शातिर दारी की, गाना शुरू होते ही बुला लिया. भाऊ लाई भारी, लाई भारी. चलिए बहुत खूब, आपका डांस देखे बहुत मजा आया. लेकिन हम क्या करें, हम लोगों को सवाल पूछने की आदत है. अरे पूछिए पूछिए. सर मेरा एक सवाल आपसे. हाँ जी. हम बॉलीवुड में अक्सर सुनते हैं किसी सितारे का नाम किसी एक्ट्रेस के साथ जुड़ जाता है. हाँ जी. आप अभी तक बचे हुए हैं कैसे? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल. बॉलीवुड में एक टर्म है जब कोई इंटरव्यू करता है ना, डू यू विकी, डू यू फील दैट यू हैव अराइव्ड, ये पूछते हैं कि आपको लग रहा है कि आपने बॉलीवुड में अपना पैर जमा लिया है. तो मैं कहता था कि जब तक मेरा किसी के साथ लिंकअप नहीं होगा ना, मुझे लगेगा नहीं कि मैं बॉलीवुड में पैर जमा लिया मैंने. तो हो गया. सर मैं एक आपको मजे की किस्से सुनाता हूँ. मैं मेरे ना मेरे मतलब मेरा परिवार बॉम्बे में है पर मेरे रिश्तेदार सब पंजाब में हैं. तो वहाँ पे मेरे काफ़ी कज़न भाई हैं जो बॉलीवुड को फॉलो करते हैं. कई बार मैं कहीं रात को जाता हूँ तो अगले दिन मुझे ही बताते मैं कहाँ गया था, क्योंकि कहीं आ जाता है वो. तो जब कोई लिंकअप की स्टोरी आती है ना, वो मुझे लिंक सबसे ज़्यादा फॉरवर्ड होते हैं उनसे कि तूने तो बताया नहीं, तूने तो बताया ही नहीं है, ये तो तूने बताया ही नहीं. तो ये मेरे साथ बहुत होता है. पर सर अभी हाल ही में कुछ कुछ ऐसा शुरू हुआ है जहाँ मुझे फील होने लग गया कि मैं बॉलीवुड में अराइव हो चुका हूँ. सिग्नल मैन नितेश गुप्ता. आपके पापा एक जाने माने एक्शन डायरेक्टर हैं. हाँ जी. क्या उनके स्टंट करने से कभी आपको डर लगा था? मुझे याद है उनका जो पहला मेन स्टंट था वो ये था कि उन्हें अपने आप को आग लगानी थी. हाँ जी, पूरी तरीके से. और फिर भाग भाग कर एक स्विमिंग पूल में जंप मारना था. तो अभी तो खैर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है और सेफ्टी मेजर्स बहुत हो गए, तब 80s में बहुत कम हुआ करते थे. पर उन्होंने वो भी किया है अपना पेट भरने के लिए. पर पापा की पहली फिल्म जो थी जो उनके लिए एक लाइफ चेंजर थी और मेरे लिए जैसे उरी लाइफ चेंजर थी, वैसे उनके लिए उनकी पहली फिल्म लाइफ चेंजर थी जो कि प्रहार. तो प्रहार में उन्होंने पहली बार एक्शन डायरेक्शन किया था, वो भी आर्मी को एक ट्रिब्यूट था और उरी भी एक आर्मी को ट्रिब्यूट था. तो हमारे ख़ानदान में आर्मी को लेकर एक खासी जगह है हमारे लिए, क्योंकि हमने आर्मी को शायद कुछ नहीं दिया होगा पर आर्मी ने हमारे परिवार को बहुत कुछ दिया है. थैंक यू. और हम यहाँ पर अब एक पुशअप चैलेंज करने वाले हैं. तो मुझे चाहिए 3 वॉलंटियर्स जो आप में से बेस्ट हो,
क्योंकि इनको हराना है। सारे खड़े हो गए, तीन बस तीन, जो तीन पहले पहुंच जाए। सर देखो, पहले मैं बता दूं, हराना है, बेइज्जती नहीं करानी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है आप पुशअप शुरू करेंगे तो सुबह तक नाश्ते तक नहीं रुकेंगे आप। चलिए शुरुआत करें, लेट्स गो। वैसे सिपाही कभी हार नहीं मानते, पर मान लीजिए आप लोग विकी को माफ कर दीजिए अब इसके लिए। सर थैंक यू, आपने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया मेरी इज्जत रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी यहाँ सांस फूले जा रही है, ऐसे कर रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमने आपसे बहुत एनर्जी खर्च करवा दी, और सिपाही चाहे जैसा भी हो कठोर दिल कभी नहीं होता। आपको इतनी एनर्जी खर्च कराई है तो थोड़ा न्यूट्रिशन भी साथ में बनता ही है। अच्छा, लेकिन स्वाद के साथ तो अशोक कुमार है, सिपाही अशोक कुमार, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा जी। मैंने सुना है कि आप खाने पीने के बड़े शौकीन हैं। हाँ जी सर, बड़ा शौकीन हूँ। सर मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ गोलगप्पे खाने का कॉम्पिटिशन करें। सर देखो, जिंदगी में अगर एक कंपटीशन होना चाहिए ना, वो गोलगप्पे खाने का ही होना चाहिए। इससे बढ़िया कंपटीशन कोई नहीं, हारो जीतो खुशी खुशी। आइए सर। सर एक ग्रेनेड में इतने स्प्लिंटर्स नहीं होंगे जितने पूरियां आई हैं। हर एक पुशअप के लिए एक तो खाना ही पड़ेगा। 35 पुशअप आपने किए तो एक 35 बस। फिर इसके बाद शो आप करवा लेना, मुझे बता देना बाथरूम कहाँ है, फिर मैं वहां चला जाऊंगा। आइए सर। अच्छा, अब आसानी के लिए उनका काउंट इस साइड के लोग रखेंगे और विकी का काउंट इस साइड के, ताकि बाद में कोई चीटिंग ना कर सके। ठीक, तैयार? देन गेट सेट गो। तैयार नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक प्लेट में 30 गोलगप्पे हैं, ये 30 खत्म होने वाले हैं। और 30 इससे ज्यादा टेस्टी चैलेंज आपने कभी नहीं किया होगा। सर आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर, मज़ा ही आ गया। बहुत मज़ा आया सर। हमने ये कोशिश भी की है कि कुछ खास मैसेजेस कुछ सिपाहियों के, क्योंकि हम चाहते थे सबके मैसेजेस लेके आए, लेकिन ये हमके लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन कुछ सिपाहियों के परिवार वालों के पास जा कर के हमने उनके लिए मैसेजेस रिकॉर्ड किए हैं, जिन्हें हम यहाँ पर दिखाएंगे और वो सीधा उनका मैसेज देख पाएंगे। हम जिस जिस सिपाही का मैसेज है उनको यहाँ बुलाना चाहेंगे, आप उनके साथ देखिए, उसके बाद ज़रूर उनसे बात भी कीजिए। सबसे पहले सिपाही अरुण कुमार के परिवार का एक मैसेज है। दोनों की नौकरी लगी, दोनों फौज में चले गए, सबसे बड़ी खुशी थी होगा। दोनों भाइयों की इच्छा पूरी होगी, हमारी भी होगी। 4 महीने बाद भी आ जाते हैं और 6 महीने बाद। जब वो घर पे आते तो किस तरह का माहौल घर में होता है? बड़ा खुशी होती है, अच्छा माहौल। जब उनका छुट्टी खत्म होकर जाने का समय आता है तब क्या होता है? जब तो तुम जानो क्या होगा। यही है कि अपना फोन का इंतजार पूरा दिन, वहाँ से फोन नहीं आता। अरुणाचल में पोस्टिंग चल रही है, फिलहाल
पूरा दिन देखते रहो फोन की तरफ, पर कोई नहीं, चलो अच्छा है जो है वो देश के लिए कर रहे हैं, हमें उस बात से कोई वो नहीं है। हम जैसे भी अपने घर हम अपने माँ बाप हैं, ठीक है वो पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, माँ बाप की कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कौन है, कितना गर्व महसूस होता है, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं और सब ठीक है। अगर आपके और भी बेटे होते तो क्या करते, फौजी भेज चंद फौजी भेज देते मैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी टीवी चैनल ने जाके हमारे घर वालों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। एनडीटीवी वालों के लिए एक जोरदार ताली तो बनती है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यू कुड गिव बैक टू द आर्मी। हमारी कोशिश यही रहती है क्योंकि हम इस बात को समझते हैं कि आप किस परिस्थिति में यहाँ पर है। यहाँ मैं देख रही थी आप एक एक परिवार वाले के बारे में बता रहे थे विकी को, जब यहाँ होते हैं तो किस तरह से याद आती, कौन कौन कब याद आता है, क्योंकि कभी कभार कोई सोचता है शायद पत्नी ही याद आती होगी या सिर्फ बच्चे ही याद आते होंगे, क्या कैसे कैसे कब कब कौन याद आता है? सबसे ज़्यादा मुझे अपने भाई के लड़के की याद आती है। क्या नाम है उनका? अनिरुद्ध। आप ना अब एनडीटीवी के जरिए अनिरुद्ध को कुछ बोल दीजिए, तो अनिरुद्ध जब टीवी पर देखेगा आई लव यू बेटा। क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि परिवार वाले अपनी बात यहाँ तक लेके आए और आप हमारे ज़रिए अपनी बात अपने परिवार वालों तक पहुंचा रहे हैं। अगला मैसेज जो है वो सूबेदार सबरजीत सिंह के लिए है। हमें बड़ी खुशी है क्योंकि हम तो अपने पूरे देश की रक्षा करते हैं और आपने हमारे घर जाके हमारे परिवार जो दिखा रहे हैं, क्योंकि जो नए लड़के हैं वो तो आजकल वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, जो हम पुराने आदमी हैं आप तो खत के जमाने से हैं, आप तो संदेश से आते हैं, चिट्ठियां आती हैं। बस हमारी तो वो सन 90 में भर्ती हुए 1970 का डेट ऑफ बर्थ है। हाँ जी। तो उस समय तो चिट्ठियां चलती थी घूम घूम के। हाँ जी। तो एक चिट्ठी अगर हमारे पास मिल जाती तो हम इंतजार देखते थे उसको दूसरी बार कब पढ़ें। अच्छा। तो जो दूसरे की आ जाती हम उसको तो नहीं, पर अपने वाली को जरूर। अपने वाली चिट्ठी को कितनी बार पढ़ लेते थे? जब तक दूसरी नहीं आती और हम अपनी नहीं भेजते थे। पहली बार छुट्टी गए तो माँ देख के बोली, अरे खाया पिया गया, कमजोर होके आया। मैं बोला, माँ कमजोर नहीं, लोहे का बन के आया। बहुत खूब, बहुत खूब। आपका मैसेज भी जो है सुबेदार साहब वो देख लेते हैं। ठीक लगा, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, बढ़िया। हमारे बालक बाहर है, अरे ठीक है, दुनिया के लिए देश के लिए लग रहे हैं बेचारे। सर कटा लेंगे लेकिन पीछे नहीं मुड़ेंगे, भाई हमारे ऐसे हैं। देखो कभी कभी तो महसूस तो होता है, जैसे पार नहीं होते तो एक साथ परिवार में रहे तो खुशी ज्यादा होती है और तो नहीं रहते थोड़ा कम होती है। इकट्ठे ही छुट्टी में रहते हैं, हाँ। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब लेकिन जब वो इकट्ठे ही चले जाते हैं तो हाँ। क्या फील करते हैं? एकदम खाली खाली सुगर दिखाई दे। करवा चौथ के त्योहार को कैसे मनाते हैं आप? ऐसे फोटो देख कैसे मना, ऐसे हो जी। सुबह टाइम पे तो अपने सभी दूर रहे तो याद तो आने। सर पहली बात तो आपके, आइए आइए,
आपके परिवार को हमारी तरफ से प्रणाम. और दूसरा, मैं देख रहा था जैसे आपकी वाइफ से पूछा था जब कि वो जब होते हैं घर पे तब तो अच्छा लगता ही है, जब वो नहीं होते तो जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया था कि हाँ उनकी याद तो बहुत आती है और अच्छा नहीं लगता कि वो जाते हैं दूर, पर उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी जब वो कह रही थी. और यही मुस्कान शायद हौसला दे देता है आपको, और ये मुस्कान में बहुत ताकत है. ये कहना मतलब बहुत मुश्किल है कि वो जब दूर होते हैं तो याद आती है, अच्छा नहीं लगता, बट तब भी एक चेहरे पर मुस्कान होना, ये कमाल है सर. आपको सल्यूट है और आपके परिवार को भी हमारी तरफ से सल्यूट है. बहुत बहुत शुक्रिया सर. इसे जो मेरे घर की गली है ना, इसमें हमारे रिश्तेदार भी नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो भी घूम घूम के रास्ता भूल जाते हैं. और एनडीटीवी पहुंच गया. बड़ी खुशी हुई कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारी इन छोटी छोटी गलियों में और हमारे छोटे गांव में पहुंचे. ये हमारा फर्ज था, हमारा फर्ज. आप लोगों ने हमें पूरे उसमें देश में दिखाया कि हमें कितने उसमें रहते हैं. शुक्रिया जी आपका.